मेरा नाम जाफ़र बशीर वानी है। आज यहाँ पे जो है हमारी ब्लॉक साहिबान की मीटिंग बुलाई हुई थी। हम लोग जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 6000 लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें डोडा की, तो यहाँ पे हमारे 303 लोग जो है अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज जो है हमने अपने ब्लॉक साहिबान को जो है यहाँ पर बुलाया हुआ था, कुछ डिस्कस करनी थी और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है हमने फ्यूचर में किस क्या करना है उसके लिए डिस्कशन करनी थी। उसमें सबसे जो अहम मसला है हमारा, पिछले 10 साल से जो है हम लोग डिपार्टमेंट्स में तो काम कर रहे हैं लेकिन तनख्वाह जो है सिर्फ 2500 है। आप खुद जान सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि आज के दौर में जो है 2500 पे क्या होता है। हमारे लोग जब डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट इनकी 2010 में हुई थी तब भी 2500 थे। आज जो है 2022 से 12 साल बाद भी जो है जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, जो जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है, हम लोगों को जो है 2500 तनख्वाह देती है। और हम लोगों ने जो है जगह जगह जो है अपने प्रोटेस्ट किए, लड़ाई लड़ी पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ तक कि हमारे लोगों ने जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट किए और बीच में हमारे लिए जो है कैबिनेट डिसीजंस भी हुए, रीएंगेज भी हुए। उसके बाद जो है हमारे लोगों को जो है लास्ट टाइम जब हम 18 दिन जम्मू में बैठे, स्ट्राइक हुई और LG साहब जो हमारे हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कहा कि आप लोग जो है 1 महीना हमें दे दो, हम 1 महीने के अंदर जो है आपकी सैलरी को बढ़ाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये से आज फिर से हमें जुड़ना पड़ा और आप के माध्यम से इनको बताना पड़ा कि 1 महीना नहीं बल्कि 3 महीने हो गए, गवर्नर साहब आपका जो वादा किया हुआ था हमारे लोगों के साथ वो पूरा नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को और LG साहब को और सेंटर में जो सरकार बैठी हुई है भाजपा, उनको आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने भरोसे पे जो है स्ट्राइक को ख़त्म किया था लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने हमारे साथ वादा किया था उस वादे को पूरा किया जाए, हमारी सैलरी को बढ़ाई जाए और हमारे लोगों के लिए जो है पॉलिसी बनाई जाए जिससे जो है हमारे लोग जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है परमानेंट हो जाए, रेगुलराइज हो जाए, कम से कम जो हमारे लोग हैं वो अपनी फैमिली को चला पाए। इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे मीटिंग रखी थी। देखो, हमें उम्मीद जब जागी थी जब जम्मू कश्मीर में जो है दफ़ा 370 को हटाया गया था और ये कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जो है अब डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर में जो है बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाएगा। हमें बड़ी उम्मीदें थी इस दफ़ा, तो जब आर्टिकल 370 को जब यहाँ तोड़ा गया तो हम बड़े खुश हुए, हम उस स्टेप के साथ रहे, हुकूमत के साथ रहे और हम जो है इसी इंतज़ार में थे कि अगर हम पिछले 10 साल से जो है पिस रहे हैं, कम से कम अब जो है हुकूमत हमारे साथ इंसाफ कर सकती है, कम से कम 2500 की जगह जो है एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह हमें तनख्वाह मिल सकती है। लेकिन बदकिस्मती से जो है दफ़ा 370 हटने के बाद भी हमें जो है इंसाफ नहीं दिखा और इंसाफ हमारे साथ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? देखो, हम यही चाहते हैं कि जो हमारे लोग अगर परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, कोविड आता है तो हमारे लोग हर जगह होते हैं, अगर कोई सेंसिस करना है तो हमारे लोग हर जगह हैं, और अगर हम परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को क्यों शर्म आ रही है, हमारे लोगों के साथ क्यों जाती हो रही है? 2500 में होता क्या है? आज एक छोटा बच्चा जो होता है जो नर्सरी या फर्स्ट में पढ़ता है उसका खर्चा जो है मिठाई का जो है 1 महीने का या 15 दिन का जो है 2500 होता है और हम लोग बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो हम लोग 2500 में कैसे अपना परिवार को चला पाए? तो ये तो एक बदकिस्मती है और हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? और हम यही उम्मीद तो है ना, हम उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से, जो सेंटर में सरकार है अभी हमारे जो है अमित शाह जी यहाँ पे आए हुए हैं, हम बड़ी उम्मीद करते हैं उनसे कि हमारा जो वादा किया हुआ है, आपके लोगों ने यहाँ पे वादा किया है, रविंदर रैना जी हमारे उस प्रोटेस्ट में आए थे, सुनील शर्मा जी आए थे, हम गवर्नर साहब के साथ मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मिले, जब उन्होंने हमें वो आश्वासन दिया कि 1 महीने तक आपका मसला हम जो है हम करेंगे, हम आर्डर निकालेंगे 1 महीने तक, लेकिन तब से 3 महीने हो गए, हमारे साथ जाती है और ये क्यों?